हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कुछ ही दिनों में सैमसंग की न्यू एम सीरीज आने वाली है। क्या वो एम सीरीज सैमसंग की ही एस और ए सीरीज को टक्कर दे पाएगी या नहीं, आज ही मैं आपको इस वीडियो में उसी के बारे में बताऊंगा। नमस्ते दोस्तों, आपका टेक्निकल ब्रदर्स में स्वागत है। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। गाइज, मैं आपको पहले ये बता दूं कि बेसिकली एम क्या है। एम स्टैंड फॉर पावर। ये इंडियन कंज्यूमर के लिए बनाया गया है क्योंकि इंडियन कंज्यूमर टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी एडॉप्ट कर लेते हैं। गाइज, मैं आपको पहले कैमरे के बारे में बताना चाहूंगा कि एम सीरीज में आपको 4 कैमरे मिलते हैं विद अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ, जो स्मॉल एरिया को वाइड कर देते हैं। और ए सीरीज में आपको सेम फीचर्स मिलेगा जैसे एम सीरीज में है, बट एस सीरीज में आपको 2 कैमरे मिलते हैं बट उनमें कुछ चेंजेस है। उसमें पिक्चर के अनुसार फोकस भी चेंज हो जाता है, जो बहुत ही अच्छा फीचर है, जो आपको दोनों सेट में देखने को नहीं मिलते, दोनों सीरीज में ही। पर शायद सैमसंग अपनी एम सीरीज में कुछ हटकर ही देगा। गाइज, मैं आपको बैटरी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपको एम सीरीज में 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो आज तक किसी भी ब्रांड ने नहीं निकाली। और वहीं देखे तो आपको ए सीरीज में 3700 mAh की मिलती है और दूसरी साइड एस को 3500 mAh की बैटरी मिलती है। सो गाइस, हमें पता चलता है कि एम सीरीज की बैटरी अभी तक की सबसे पावरफुल बैटरी है। सो गाइस, अब मैं आपको डिस्प्ले के बारे में बताता हूं कि आपको एम सीरीज में डिस्प्ले इन्फिनिटी यू प्लस इन्फिनिटी वी कब मिलता है, और दूसरी साइड ए सीरीज में आपको फुल HD डिस्प्ले और एस सीरीज में आपको इन्फिनिटी यू कब मिलता है। और गाइस, देखा जाए कि एम सीरीज में सबसे बेहतरीन डिस्प्ले निकाला गया है क्योंकि उसमें इन्फिनिटी यू प्लस इन्फिनिटी वी कब मिलता है। सो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा कि गेमिंग के मामले में आपको तीनों सीरीज की परफॉर्मेंस किस तरह मिलेगी। एम सीरीज में आपको सैमसंग का ही खुद का एक्सिनोस प्रोसेसर मिलता है, और सीरीज में आपको स्नैपड्रैगन ऑक्टाकोर मिलता है, और एस में आपको सैमसंग का ही खुद का एक्सिनोस ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है। सो गाइस, देखने वाली बात ये होगी कि क्या एम सीरीज एस सीरीज को परफॉर्मेंस के बारे में बीट कर पाएगी क्या। दोस्तों, देखा जाए तो एम सीरीज में कुछ फीचर्स हटके निकाले गए हैं। अगर आप फोन लेने की सोच रहे हैं तो एम सीरीज एक बेहतर ऑप्शन है। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। गाइस, अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह गई हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।